लोकेशन ऑफ रूट्स में ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसमें। अब इसमें क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, है। एग्जांपल जैसे कि तुम्हें कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, और तुम्हें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन कॉमा बीटा अपॉन बीटा माइनस वन। तो इसमें मेथड वन जो था हमारा वो काम कर सकता है क्या? हाँ, तो सम ऑफ रूट्स नए निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नए निकाल लो, वो तो सभी में ही काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, इसमें ये सिमेट्रिक लिखे हुए हैं दोनों रूट्स, और पहले वाले में सिर्फ बीटा आ रहा है, दूसरे सॉरी पहले वाले में सिर्फ अल्फा आ रहा है, दूसरे वाले में सिर्फ बीटा आ रहा है, तो हम लोग इसमें मेथड टू भी यूज कर सकते हैं। तो मेथड टू को प्रेफरेंस दिया, तो इसमें क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल अल्फा बाय अल्फा माइनस वन। यहाँ से अल्फा निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई, ये कितना बन जाएगा, अल्फा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया अल्फा वाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू वाई, अल्फा कॉमन आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, वन वाई माइनस वन बचा इधर इक्वल टू वाई, यहाँ से अल्फा निकल गया वाई बाय वाई माइनस वन, ठीक। तो इसमें अगर हमें न्यू क्वाड्रेटिक चाहिए तो न्यू क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या बन जाएगी जिसके ये रूट्स हो, तो एक्स की जगह क्या रख देना, पुराना जो ये रूट अल्फा निकल के आया है, ठीक, इस इक्वेशन में सब जगह ये अल्फा रखा जाएगा, तो अल्फा रखा है यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, वाई बाय वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई बाय वाई माइनस वन प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। मान लिया कि यहाँ पे अपने को कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके कोई रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, वो रियल रूट्स भी हो सकते हैं, नॉन रियल भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं, फिर बोला है कि एक फाइंड अ क्वाड्रेटिक विद रूट्स एज अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा। अब इसमें ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें सिर्फ मेथड वन चल सकता है क्या? मेथड वन क्या क्या, जिसमें सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे नई इक्वेशन के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे नई इक्वेशन के लिए, तो सिर्फ वही मेथड काम आएगा क्या? मेथड टू इसमें चल सकता है क्या? मेथड टू में क्या होना चाहिए, इसमें सिमेट्रिक होना चाहिए। चलो सिमेट्रिक तो है, इसमें अल्फा आ गया बीटा आ गया, फिर बीटा की जगह अल्फा आ गया और अल्फा की जगह बीटा आ गया, लोकेशन उसने चेंज कर ली अपनी, मतलब अल्फा की जगह बीटा रख दिया। बट इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ अल्फा नहीं है, ओनली अल्फा है क्या इसमें, नहीं है, तो ये इसमें मेथड टू नहीं चल सकता कि जिसमें हम लोग ऐसे बोल दें कि वाई इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा है, तो यहाँ से अल्फा निकल पाएगा क्या इन टर्म्स ऑफ वाई, नहीं निकल पाएगा, उसमें बीटा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये मेथड नहीं ला सकते, नहीं लगा सकते, तो सिर्फ क्या लगा सकते हैं कि सिर्फ सम ऑफ रूट्स नया निकाल लो इसमें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नया निकाल लो, तो वहां से बात बन सकती है। तो इसमें पहले ओरिजिनल इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, तो -2 बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, सी बाई ए, तो कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, ठीक। अब इसमें अपने को न्यू सम निकालना है, सम न्यू निकालेंगे तो वो कितना बन जाएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिया तो कितना बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास, -2 है, ये इक्वेशन में ये -2 दे रखी थी, -2 है, उसका स्क्वायर करा तो 4 -2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक डिनोमिनेटर में भी क्या आना है अपने पास, 3/2 आना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन गया, 4 -3, 4 -3 तो कितना हो गया, 1/3/2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 2/3 बन जाएगा क्या। तो सम न्यू कितना बन चुका है अपने पास, 2/3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ इसमें एस न्यू कितना बन गया, 2/3 हो गया सॉल्व होके, और प्रोडक्ट न्यू देखेंगे तो वो कितना आएगा अपने पास, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, तो प्रोडक्ट किया तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से अपने को इक्वेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाएगी, x² माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 2/3
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 1 इक्वल टू 0। ये वन ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगी जिसके रूट्स अपने पास क्या आते हैं, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, अगर पहले वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो। अब इसमें कोई अगर हम लोगों ने एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सारी सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएंगी जिसके ये रूट्स होंगे, ठीक है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। ठीक, अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का रिवर्स करना पड़े। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके रूट्स थे अल्फा और बीटा। ठीक, और एक कोई और इक्वेशन दे रखी है फिर इसके बाद में, और वो लिखी हुई है ए इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, और पूछ रहा है कि इसके रूट्स क्या रहे होंगे। ठीक है, इसके रूट्स के बारे में पूछ रहा है हम लोगों से कि इसके रूट्स क्या हैं। ठीक, तो हमने जब इस इक्वेशन को देखा दूसरे वाले को, तो हमने देखा कि यार ये जो दूसरी इक्वेशन लिखी है ना, ये तो पहले वाले जैसी है कि कोफिशियंट तो सेम है, या ए है या प्लस का बी है फिर ये प्लस का सी है, बट ये इसने क्या किया कि एक्स बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर कहाँ आ गया, एक्स की जगह। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का जो मेथड 2 पढ़ा है उसका रिवर्स करने की कोशिश करें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे कि वो अपने को नए रूट्स बता देता था, और नए रूट्स को हम लोग क्या करते थे, वाई के बराबर रख देते थे, वहां से अल्फा निकाल लेते थे। ठीक है, तो अल्फा निकल जाता था वाई की टर्म्स में, तो अल्फा यहाँ पे इक्वेशन में रखा जाता था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो ऐसा बना होगा ना, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया वाई अपॉन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स वाई बाय वाई माइनस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, वेरिएबल का नाम चेंज करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं रूट्स पे। ठीक है, तो एक्स की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, वाई कर दिया। ठीक है, तो ये वाई जो है अपना, ये कितने के बराबर होगा, रूट अल्फा के बराबर रहा होगा ना, जो वाई अपॉन वाई माइनस वन है इसको अल्फा के बराबर कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने अल्फा ढूंढा होता है इन टर्म्स ऑफ वाई। अब रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है, अल्फा ढूंढा हुआ होता है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे ये लिखा गया, तो अब यहाँ से वाई निकल जाएगा क्या अपने पास, वाई कितना, यहाँ से वाई ढूंढना है तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा वाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू वाई, तो अल्फा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा, वाई कॉमन आ गया, ये अल्फा माइनस वन और ये अल्फा, तो यहाँ से वाई कितना निकल जाएगा, अल्फा बाय अल्फा माइनस वन। इसका मतलब हमें जो नया रूट दिया गया होगा वो किस टाइप का दिया होगा, अल्फा बाय अल्फा माइनस वन टाइप का दिया गया होगा। ठीक है, और दूसरा रूट क्या बन जाएगा, बीटा कॉमा बीटा बाय बीटा माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि इसको एक बार सोचेंगे पुराने मेथड का क्या यूज आ रहा है इसमें। उसमें क्या होता है कि अपने को क्या दिया होता है कि एक इक्वेशन दे रखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स अल्फा बीटा। ठीक है, फिर एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हो जाएं अल्फा बाय अल्फा माइनस वन, तो उसको हम लोग वाई के बराबर मान लेते हैं, वहां से हमारे पास क्या होता है कि अल्फा निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ वाई, वो ये निकलता, ये जो अल्फा दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वाई ये निकल जाता, इसको हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती। अब इसने क्या किया कि ऑलरेडी ये इक्वेशन बना के दे दी, और इसमें पूछ रहे कि हमारे रूट क्या नए आएंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये पहले तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, एक्स की जगह वाई लिख दिया। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्स की जगह हम लोगों ने वाई जब लिख दिया तो ये बन गया ए टाइम्स वाई बाय वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो नया रूट हमें निकालना है ना अल्फा, वो इसके बराबर होगा, वाई बाय वाई माइनस वन के बराबर। ठीक, तो अल्फा इसके बराबर कर दिया हम लोगों ने वाई बाय वाई माइनस वन के बराबर, तो यहाँ से वाई निकल गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा का जो एक्सप्रेशन आएगा वही हमें क्या शो करेगा कि जो इस इक्वेशन के न्यू रूट्स थे वो क्या होंगे। ठीक है, तो वो इस केस में क्या हो जाएंगे, अल्फा बाय अल्फा माइनस वन और बीटा बाय बीटा माइनस वन। अगर तुम लोगों को पुराना मेथड पता चला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का जो मेथड 2 था, तो ये भी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं समझ आया तो फिर रीवाइंड एंड रीवॉच। ठीक है, इसके जो नए रूट्स आते वो क्या थे, अल्फा बाय अल्फा माइनस वन और बीटा बाय बीटा माइनस वन, ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई विल ट्राई शेयरिंग लिंक ऑफ द क्वेश्चंस कि जो जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स यूज हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से तुम लोग वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ठीक है।